हमालांच्या हिताकडे शासनविरोधी आंदोलनाला अखिल भारतीय सेनेचा पाठिंबा. ऑल इंडिया रेल्वे लालवर्दी युनियनतर्फे आज आझाद मैदानात मोर्चा आणि उपोषण ठेवण्यात आलेले होते. या आंदोलनाला अखिल भारतीय सेनेने पाठिंबा दिल्याने सर्व आंदोलकांचे मनोबल उंचावले आहे. संपूर्ण भारतातून या आंदोलनात हमाल कुली सहभागी झाल्याने या समस्येचे गांभीर्य स्पष्ट होत होते असे मत अखिल भारतीय सेनेच्या महिला नेत्या निकिता घावरे यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी देखील अनेक वेळा आंदोलने झाली. ऑल इंडिया रेल्वे लालवर्दी युनियनच्या सर्वांनी विविध पक्षाचे खासदार आणि मंत्री यांची भेट घेतली पण काहीच उपयोग झाला नाही. त्याच अनुषंगाने त्यांनी आज उपोषण केले. या प्रश्नावर अखिल भारतीय सेना ही नेहमीच त्यांच्या पाठीशी राहील असे पक्षाकडून घोषित केले आहे. या मोर्चात महिला पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. अखिल भारतीय सेनेच्या रंजनाताई पाटील, रेखा, सौनिकिता घावरे, निकिता पाटील, हर्षदा मेंसरी आणि इतर महिला पदाधिकारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले. तसेच अखिल भारतीय सेना ठाणे जिल्हा प्रमुख चंद्रकांत म्हात्रे, किशोर गरुड आणि नितीन वाणी यांनी विशेष सहकार्य केले. किरण बाथम, रायगड. जीत नाही त्यांच्या मुलाला नोकरीत सेवेत सरकारी नोकरीत सेवा द्यावी आणि जे शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहे, अनफिट आहे अशा लोकांना रेल्वेमध्ये समाविष्ट न करता त्यांच्या मुलांना किंवा त्यांना रेल्वेमध्ये समाविष्ट करा, त्यांना चौथा दर्जा द्यावा आणि ही मागणीसाठी आपण अखिल भारतीय सेनेचे कार्यकर्ते मंडळी आमच्या मदतीला धावून आलात. आम्ही लालवर्दी कुलीनच्या वतीनं आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो. आए हुए हैं जो ग्रुप डी की डिमांड के लिए और भारत के पूरे 16 जोन 68 डिवीजन से और आंध्रा, केरल, कर्नाटक और हर जगह, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारियों ने से परमिशन ली थी हम लोगों ने कि हम लोग वहाँ पे हम अनशन पर बैठ रहे हैं और बाकायदा हम लोगों ने डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट का है उनको दिया था कि हमारे ये 5 लोग यहाँ बैठेंगे. उतने टाइम इन लोगों ने कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन आज जब हमारे यहाँ के इतने लोग आए तो आज हम लोग को यहाँ कर दिया, जबकि हम लोग पिछले करीब 10 साल से इस डिमांड को रख रहे हैं कि हमारे लिए ग्रुप बी का दर्जा दिया जाए. आज से 10 साल पहले अभी जो ट्रॉली बैग आ गए हैं, लिफ्ट लग गया है, एक्सीलेटर, फुट ब्रिज और इतनी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं कि कुली को अब 5-10 रुपए कमाना भी मुश्किल हो गया है. ओनली फॉर कुली सिर्फ एक इंक्वायरी बन के रह गया है. तो जो मोदी सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज अगर रेलवे का राजस्व बढ़ाना है तो उसका सबसे जो भागीदार वो होता है वो कुली होता है, वो क्योंकि यात्री से सीधा जुड़ा होता है और आज कुली को ही अनदेखा कर दिया जा रहा है. और आप प्राइवेट सेक्टर में सरकार को बोल रही है कि रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जाएगा. हम ये नहीं कहते कि इंडिया का विकास करिए सब कुछ करिए, लेकिन हम गरीब कुलियों के बारे में भी सोचिए जो हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं. यहाँ तक कि हम लोगों ने रेल मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री सबको ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन भी किया था हथरस में जो कि 5 घंटे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ सरकार ने हम लोगों को कहते हुए लॉलीपॉप होती है कि हाँ ठीक है आप जाइए हम आपका काम हो जाएगा. लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं सिर्फ इसी आस में आए हुए हैं कि हम यहाँ आएंगे और हमें ग्रुप डी का दर्जा मिलेगा. उस गैंग में मते जाए काम धाम चलत नहीं, जगह जगह लिफ्ट हो गए और जगह जगह बैटरी गाड़ी निकल गए, काम धंधा कुछ चलत नहीं है. मैं खाए पर लोग लेके बच्चे मन भूख मरत है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, कैसे करके पोसबो पालबो, हम लोग ग्रुप डी में कैसनो करके नौकरी दे जाए. धन्यवाद.